चाचा दीदी तेरे घर तेरे वीडियोस लेने गई है और 15-20 मिनट में तेरा लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। हाँ गोगी, और गोगी कुछ ही मिनटों में तू पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा। चल एकदम का घुसता है हवलदार साहब। क्या मोर्चा लेके आयो क्या इधर? हमको मिसिंग चाइल्ड की कंप्लेंट लिखवानी है। पहले बाकड़े पे बैठो, नंबर आएगा तो साहब बुलाएंगे। अरे लेकिन उस बाकड़े पे तो कोई नहीं बैठा है, खाली है बाकड़ा। हाँ, मतलब हमारा ही नंबर है ना। हाँ, चलो भाई चलो। फिर भी बाकड़े पे बैठने का ये सरकारी प्रोसेस है। देखिए मुझे इंस्पेक्टर चट्टोपाध्याय से मिलना है, वो मुझे जानते हैं। आप जानती है बराबर है, पर मैडम उनका एक महीने पहले ही लोनावला बदली हो गया है। अरे वाह, मतलब फिर तो हमें लोनावला जाना पड़ेगा। तो अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते बबीता जी, चलो सीधा लोनावला चलते हैं। जेठालाल, हमें लोनावला पिकनिक मनाने नहीं जाना है, हम यहाँ पे गोगी के गुम होने की रिपोर्ट लिखाने आए। अरे नहीं तो क्या। अरे भाई मुझे पता है, लेकिन क्या वो इंस्पेक्टर चट्टोपाध्याय बराबर है, वो बबीता जी के पहचान का है, क्या उधर जाएगा तो हमारा काम फटाफट हो जाएगा ना। अरे क्या मजाक बना के रखा हुआ है, मेरा पुत्र गोगी सुबह से गुम हो गया, तुम लोग कंप्लेंट लिखते हो कि नहीं? अरे हाँ भाई, तो इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? हवलदार साहब, जिस बाप का बच्चा गुम गया हो उसे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? तो फिर बराबर है। अरे इतने गरम खोपड़ी का बाप है तो लगता है बच्चा घर से भाग गया। अरे क्या बात कर रहे हो यार तुम? कौन है ड्यूटी ऑफिसर कौन है, मुझे उनसे मिलना है। मैं पत्रकार पोपटलाल तूफान एक्सप्रेस से दुनिया हिला दूंगा। तूफान हो चक्रीवादल, बोला ना एक बार, साहब बिजी है, बाकड़े पे बैठो। हाँ बस तो बाबा।